तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विच इज बेटर ऑप्शन बिटवीन लैपिंग वेल्डिंग एंड कपलर सिस्टम। तो जनरली बहुत जन के मन में ये सवाल आता है और मेरे कमेंट में भी मैंने बहुत सारा ऐसा सवाल देखा होगा जिसमें बंदे मुझसे पूछते हैं, जब हम लोग कॉलम को एक्सटेंड करते हैं उस वक्त हम लोग का एक सरिया जब खत्म हो जाता है तो जब दूसरा सरिया हम लोग लाते हैं उसको वेल्डिंग करना ज्यादा बेटर है या उसको सर लैपिंग देना ज्यादा बेटर है। लैपिंग मतलब एक बार के ऊपर एक बार चढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा लैप देंगे, ठीक है, वो देना ज्यादा बेटर रहेगा, या कपलर को यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। जिन्हें नहीं पता कपलर क्या होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कपलर है, ठीक है। ये एमएस का सिलेंड्रिकल टाइप रहता है, अंदर में हॉलो रहता है और उसके अंदर में थ्रेड कटा हुआ रहता है। उस थ्रेड में हाफ पोर्शन ऊपर वाला बार आके घूम के लग जाता है और नीचे वाला बार भी आके नीचे से लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा स्टील सेव होता है। तो आज के बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि इन तीनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस बढ़ते टेक्निकल सेंचुरी में जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, और ऐसे टेक्नोलॉजी के टाइम में अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो लैब देंगे वो लैपिंग के थ्रू देंगे या बोल लो वेल्डिंग के थ्रू देंगे, तो ये हजम नहीं होता, क्योंकि अभी इन चीजों को, अभी ये वेल्डिंग, अभी ये लैपिंग को बेस्ट मेथड नहीं माना जाता है किसी भी सरिये को लैब देने के लिए, किसी भी स्टील बार को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अभी बहुत अच्छा ऑप्शन एक आ चुका है जो कि है कपलिंग का सिस्टम, ठीक है। कपलिंग को क्यों बेस्ट कहा गया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले जान लो कि वेल्डिंग करने से क्या प्रॉब्लम होता है। अगर आप दो स्टील को वेल्ड करोगे ना तो उस जंक्शन पे क्या होता है कि वो अपना स्ट्रेंथ खो देता है। मान लो ये आपका स्टील है पूरा, ऊपर का पार्ट आपका कोई हीट नहीं हुआ है, नीचे का पार्ट भी कोई हीट नहीं है, लेकिन जहां पे आप वेल्ड करोगे ना उसकी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उसके वहां पे जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो वहां से वो खो देती है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा या लोड का प्रेशर जब पड़ेगा ना तो उसका टेंडेंसी होता है जब भी वो बकलिंग के केस में जाने से ही वो वहीं से टूटेगा जहां से उसका वेल्डिंग हुआ था। तो इस चीज को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग साइड पे क्या करते हैं कि हाँ टैग मार देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सही नहीं है। तो ये बात क्लियर हुआ। डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है हमारे रिबार का, उसको बहुत ज्यादा हैम्पर करती है ये हमारा वेल्डिंग पार्ट। अब आप लोग में से ही बहुत जन का ये कंफ्यूजन होगा, बहुत जन के मन में ये डाउट होगा कि सर IS 456 बोलता है कि जिस बार का डायर 36 mm से ज्यादा हो जाता है उसके लिए हम लोग को वेल्डिंग करना चाहिए, ऐसा उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन वहां पर देखिएगा मे भी बोला हुआ है, आप कर भी सकते हो नहीं भी। तो अगर मेरी बात मानो तो वेल्डिंग कभी मत कीजिएगा, कभी नहीं। आप कपलर की तरफ जाओ लेकिन वेल्डिंग कभी मत करो। वेल्डिंग करने से स्टील का प्रॉपर्टी का जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है और फेलियर वो वहीं से होता है। तो ये हुआ हमारा वेल्डिंग का पार्ट, वेल्डिंग हमें करना नहीं है, इससे हमें बचना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लैपिंग की। तो लैपिंग देखो भाई, अगर आप कम डाया का यूज करते हो ना 8, 10, 12 तक तो ये सस्ता पड़ता है, 16 तक भी सस्ता पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर आप जाओगे ना तो ये महंगा पड़ने लगेगा। लैप लेंथ का जो एक्स्ट्रा स्टील बार आता है वो, उसका अगर कॉस्टिंग आप निकालोगे और एक कपलर का कॉस्टिंग निकालोगे, मैं इस पर वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, कॉस्टिंग का मैं कंपेरिजन करके आप लोग को दिखाऊंगा कि किससे कितना डाया से ज्यादा अगर बढ़ जाएंगे तो कपलर हम लोग का सस्ता पड़ेगा और कितने डाया तक अगर हम लोग कपलर यूज करेंगे तो ये महंगा पड़ सकता है। तो इस पर मैं कॉस्टिंग के लेकर एक पूरा केस स्टडी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आप समझ सको अच्छे से। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कपलर हायर डाय के लिए अच्छा होता है, लेकिन स्टील बार अगर आप हायर डाय में लैप डालोगे, जैसे 32 का हो गया, 25 का हो गया, इसमें अगर आप चाहते हो कि स्टील बार का ही लैप डाले तो सोच लो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के अनुसार अगर जब लैप डालोगे, जैसे M40 का हो गया तो M40 के लिए 36D हो गया, M30 तो M30 के लिए आपका हो गया 46D, ऐसे करके के मैं जनरल केस एक 50D पकड़ता हूं, तो उसके लिए जो लेंथ आपका आता है ना उसका कॉस्टिंग निकालोगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। प्लस जैसे जैसे आप हायर डाय में जाओगे ना आपको स्टील बार उस लैप में पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको पोजिशन करना प्रॉब्लम हो जाता है, सही से अगर प्लेस नहीं करोगे, उसका लोड अगर सही से ट्रांसफर नहीं होगा अगले बार से निचले वाले बार पे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है काम करते वक्त। तो यहां पे भी मैं बोलूंगा कि लैप जो हम लोग डालते हैं लैपिंग से वो भी सही नहीं है, कोशिश करो कपलर की तरफ जाने की। लेकिन कॉस्टिंग भी आपको देखना है क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, आप सोचोगे कि हम हायर डाय में भी क्या करते हैं, चलो लैप ही डाल देते हैं, कौन कपलर मंगाएगा यार, तो आप किस बात के इंजीनियर हो, बात वही है ना, आप इंजीनियर बने क्यों हो, काम तो कोई भी करवाएगा। आप इंजीनियर किस लिए हो, आप कॉस्टिंग को भी ध्यान रखोगे साथ में क्वालिटी भी ध्यान रखोगे,
तो वेल्डिंग तो करना ही नहीं है, लेकिन लैपिंग अलाउ भी है नहीं भी है, कम डाई के लिए अच्छा है, हाईर डाई के लिए अच्छा नहीं है, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाता है। और हाईर डाई में जाओगे तो ऐसे भी कॉस्टिंग के साथ साथ जो काम भी होता है वो सही नहीं होता है, कपलर ज्यादा बेटर आपको वर्क देगा वहां पे। तो अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन कपलर का, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कपलर बेस्ट ऑप्शन है। तो कपलर के कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, जो लोड ट्रांसफर होती है ऊपर से नीचे एक बार से एक बार पे, वो एकदम स्मूथली होती है, वो एकदम यूनिफॉर्मली होती है, कोई लोड डिस्ट्रीब्यूशन का इधर उधर ऊपर से जो बार आ रहा है ना, वो जब लोड ट्रांसफर कर रहा है नीचे वाले पे, तो इस लोड का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो चेंज होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है हमारे कपलर के केस में। लेकिन वही बात करें जब हम लोग लैप डालते हैं तो उस वक्त हम लोग स्टैगर्ड करते हैं, तो वहां पे जो एसेंट्रिसिटी है एकदम परफेक्ट हम लोग को नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं इधर हो जाता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है लेकिन फिर भी तो नहीं होता है ना। तो अगर परफेक्शन की तरफ जाओगे तो कपलर बेस्ट होता है लोड ट्रांसफर के केस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिबार का कंजेशन क्या होता है कि रिबार घटा देता है। अब कंजेशन में क्या बोल रहा हूं, एक ही जगह पे लैप आ रही है उस जगह पे क्या हो रहा है, भरते जा रहा है। सपोज मान लो आपका कॉलम बहुत हेवी है और उसमें स्टील भी आपका 32 का गया हुआ है, 36 का गया हुआ है मान लीजिए, तो वैसे केस में जब हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे ना, तो हम लोग तो एंश्योर होना पड़ेगा कि वहां पे हनीकॉम ना आए, वाइब्रेटर का जो निडिल है वो वहां पे प्रॉपरली घुस पाए, ऐसा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इतना सारा रेनफोर्समेंट, इतना सारा टाइज रहता है कि हम लोग का जो निडिल है वाइब्रेटर का वो वहां पे प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। अगर वही चीज अगर आप एलिमिनेट कर दो, लैप को एलिमिनेट कर दो और कपलर वहां पे डाल दो, तो वो कंजेस्टेड होने का ऑप्शन ही नहीं होता है ना। तो कपलर बेस्ट होता है ऐसे केस में। तो अगर आप कपलर लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा स्टील बार का लेंथ डालना नहीं है लैप के रूप में, तो वहां पे आपकी कॉस्ट सेविंग होती है हाईर डाई के केस में। उसके बाद यहाँ पे सेम लाइन का स्प्लाइसिंग अलाउ किया जाता है, जैसे ऊपर वाले बार से नीचे वाला बार डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, कोई स्टैगर्ड वर्क के कनेक्ट नहीं रहता है। जैसे आप लैपिंग डालोगे ना तो उसमें देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एक बार नीचे है एक बार जब ऊपर से आ रहा है तो वो स्टैगर्ड होकर कनेक्ट होता है ना, तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो एकदम वर्टिकल सीधा बार चला जाएगा कपलर के केस में। और लास्ट जो पॉइंट है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग का वेस्टेज बहुत सारा ये बचाता है, हम लोग के बजट में ये अंतर आता है बहुत सारा। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट का, बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और पूरे प्रोजेक्ट का जब आप निकालोगे ना अंतर, तो देखना इसके वजह से एक अच्छा खासा नॉमिनल परसेंटेज, पॉइंट में ही कुछ परसेंटेज आएगा लेकिन अच्छा खासा परसेंटेज आपका बचेगा अगर आप कपलर यूज करते हो तो। तो ये सब बेनिफिट्स है आपके कपलर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये काम की लगी होगी आपको वीडियो, तो वीडियो अगर काम की लगी तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ और एडवाइस है यहाँ पे, अगर आपके मन में और कोई पॉइंट है, तो मेरे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।